हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि बच्चों में कौन कौन सी अच्छी आदतें डालें और कैसे। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि आदतों का जन्म बचपन में ही होने लगता है, फिर धीरे धीरे बार बार करने से वो हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती हैं। और एक बार आदतें चाहे अच्छी या बुरी व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएँ तो उन्हें बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बिल्कुल पेड़ के बीज बोने जैसा है। पौधों को तो उखाड़ा जा सकता है आसानी से, लेकिन जब वो पौधा मजबूत पेड़ बन जाए तो उसे हिला पाना भी आसान नहीं। इसलिए कहते हैं कि बचपन से ही बच्चों में अच्छी आदतों के बीज डालना शुरू कर देना चाहिए ताकि वो आदतें फर्म हो जाएं, मजबूत हो जाएं। अब यहाँ मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि बच्चों में अच्छी आदतें डालना सिर्फ माँ की ही जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है जो बच्चों से किसी न किसी रिश्तों में जुड़े रहते हैं। हाँ, ये बात सही है कि माँ की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है क्योंकि बच्चे माँ के साथ ज़्यादा टाइम रहते हैं, पर अपने अपने लेवल पर सभी बच्चों को अच्छी बातें सिखाएं। दूसरी बात, बच्चा एकदम से आपकी बात मान लेगा भूल जाइए। बच्चे अपने मानसिक स्तर पर चीज़ों को एनालाइज करते हैं, इसलिए हो सकता है कि वो थोड़ा टाइम मतलब कि महीने या साल भी लें। इस दौरान आपको उन्हें मारना नहीं है, ना ही ज़ोर ज़बरदस्ती करके काम करवाना है, क्योंकि इससे बच्चा डर से काम करेगा, स्वेच्छा से नहीं। तीसरी बात आती है कि आपको बच्चों से कुछ करवाना है तो पहले आपको करके दिखाना होगा। आज के टाइम के हिसाब से इसका रेलिवेंट एग्ज़ाम्पल लेकर बताऊं तो अगर आप टीवी देख रहे हैं या अपने मोबाइल में लगे हैं और बच्चे से कहें कि जाकर पढ़ाई कर लो तो बच्चा आपकी बात नहीं मानेगा। वहीं यदि आप उसके सामने कोई बुक या न्यूज़पेपर पढ़ें तो वो अपने आप अपनी बुक्स लेकर पढ़ने बैठ जाएगा, फिर चाहे और कुछ नहीं तो वो ड्राइंग ही करे। ऐसा इसलिए कि बच्चे कॉपी करते हैं। इस बात को गहराई से समझेंगे तो जानेंगे कि वो कॉपी करके सीखते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि कब क्या कैसे और क्यों करना चाहिए। बस जैसा वो औरों को बोलते हुए करते हुए देखते हैं करना शुरू कर देते हैं। बच्चे आपका रिफ्लेक्शन होते हैं, जिस व्यक्ति की जितनी गहरी छाप उन पर पड़ती है वैसा ही वो बनने लगते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कौन कौन सी अच्छी आदतें बच्चों में डालें। बच्चों को सबसे पहले तो खाने से जुड़ी अच्छी बातें सिखाएं, जिस पर मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बच्चों को उम्र के हिसाब से थोड़े थोड़े काम करना सिखाना चाहिए, जैसे अपनी खाने की प्लेट उठाना, यूनिफॉर्म बैग, शूज़, बुक्स को सही जगह पर रखना। इसके अलावा आप अपने काम में भी उनकी हेल्प ले सकते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर में सब्ज़ियाँ रखना, सूखे कपड़े बाहर से लाना, अपने कपड़ों को तय करना, खुद शूज़ की लेस बांधना एट्सेट्रा। कपड़े, सॉक्स, शूज़ छड़का के पहनने की आदत भी बच्चों में डालें, जिससे अगर कोई कीड़े या मक्खी मच्छर उनमें छिपे हों तो वो बाहर आ जाएं। बच्चों में शेयरिंग की आदत भी ज़रूर डालें। अपने टॉयज़, बुक्स, कपड़े जैसी चीज़ें शेयर करने वाले बच्चों के फ्रेंड्स आसानी से बनते हैं। ऐसे बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होता है और ऐसे बच्चे आगे चलकर एंगर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी के शिकार कम होते हैं। बच्चों को समय समय पर बिजली, पानी जैसी चीज़ों की इम्पोर्टेंस सिखाएं, जिससे इन चीज़ों को ऑप्टिमली यूज़ करना उनकी आदत बन जाए। उन्हें समझाएं कि अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो गर्मियों में आप कैसे रहोगे, इतनी गर्मी में फ़ैन नहीं चलेगा, रात में आप अंधेरे में कैसे रहोगे, कितने परेशान हो जाओगे, अगर पानी नहीं होगे तो क्या पियोगे, कैसे नहाओगे। इस तरह से बच्चों को समझाएं। उन्हें ये तो सिखाएं ही कि जब भी रूम से निकलें तो टीवी, लाइट, फ़ैन के स्विच बंद कर दें। साथ ही ये भी बताएं कि जब वो बाहर हों, स्कूल में, क्लासरूम में या कोचिंग क्लास पर, तब ये क्लासेस ओवर हो जाने पर भी वहाँ की फ़ैन और लाइट ऑफ कर दें, मतलब घर के साथ साथ बाहर इनका दुरुपयोग होने से रोकें। पहली वाली बात तो हम सिखाते हैं, लेकिन बाद वाली बात में हमें लगता है कि कौन सा हमारा बिल आ रहा है, हम क्यों करें, ये हमारा काम नहीं है। यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि बिजली, पानी, फ्यूल
नॉन रीन्यूएबल एनर्जी हैं और इनकी आवश्यकता मानवता को हमेशा रहेगी। इसलिए ये मेरी लाइट, मेरा पानी नहीं बल्कि हम सबका है। इसलिए जहाँ कहीं भी इन चीज़ों का अनावश्यक इस्तेमाल देखें तो उसे रोकने की कोशिश करें। ये काम ऐसे नहीं हैं जिनमें हमें शर्म आए। इसी तरह से बच्चों को पेड़ पौधों का महत्व भी बताते रहें कि वे क्यों ज़रूरी हैं, क्यों उनका बचाव और रोपण होना चाहिए। घर में बगीचा हो तो पेड़ पौधों को पानी देना सिखाएं, नए पौधे लगाएं तो बच्चों की उनमें हेल्प लें। पेड़ पौधों के नाम और उनकी उपयोगिता बच्चों को बताएं। पक्षियों के लिए पानी भरकर रखना सिखाएं, उनसे कहें कि पानी भरने का काम उनका है। ये छोटी छोटी आदतें छुटपन से ही उन्हें सिखाना शुरू कर दें। बच्चे जितना नेचर के पास समय गुजारेंगे उतने वो स्वस्थ रहेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे। बच्चों में स्वस्थ रहने के लिए योगा एक्सरसाइज की आदत डालें, उन्हें पार्क या खुले ग्राउंड में ले जाएं, वहाँ उन्हें दौड़ लगवाएं, साइकिलिंग कराएं या उन्हें किसी स्पोर्ट में डलवा दें। इससे दो फायदे होंगे। पहला तो फिज़िकल एक्टिविटी से बच्चे हेल्दी रहेंगे, उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। दूसरा, इस दौरान वो मोबाइल टीवी से दूर रहेंगे। बच्चों में साफ सफाई रखने की आदत डालें। जब भी हम बच्चों को घर फैलाते हुए देखते हैं तो उन्हें डांटने लगते हैं और डांटते डांटते ही हम घर सेट करने लगते हैं। अब समझना यहाँ ये है कि वो बच्चे हैं, उनका सबसे पहला काम है मौज मस्ती करना और इस मौज मस्ती में चीज़ें अस्त व्यस्त तो होंगी ही। बजाय उन्हें डांटने के उन्हें चीज़ें सेट करना सिखाएं, जो चीज़ जहाँ और जैसी रखी हो वैसा रखने को कहें। ये काम आप नहीं करें, उन्हें ही करने दें। इसी तरह से कचरा डस्टबिन में डालना सिखाएं ताकि घर गंदा ना हो। घर को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है और बाहर को साफ रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। इसलिए पार्क, मार्केट, स्कूल, क्लासरूम और रोड पर ऐसे ही कचरा नहीं फेंकें। टॉफ़ीज़, बिस्किट्स, चिप्स के रैपर रोड पर नहीं डालकर डस्टबिन में ही डालें। जो जगह साफ़ होती है वहाँ मक्खी मच्छर भी कम होते हैं और बीमारियाँ भी। इसलिए भी बच्चों को स्वच्छता का महत्व ज़रूर बताएं और सिखाएं। बच्चों को मॉरल वैल्यूज़ जैसे ईमानदारी, झूठ नहीं बोलना, एक दूसरे की हेल्प करना, किसी का मजाक नहीं उड़ाना, किसी को कम नहीं समझना, छोटा नहीं समझना, चीज़ों को शेयर करना, अपनी गलती को बिना झिझक के एक्सेप्ट करना, कोई भी चीज़ चाहे वो घर की हो या बाहर की, चाहे वो अपनी हो या किसी और की, उसे नुकसान नहीं पहुंचाना, ख़राब नहीं करना, जानवरों को मारना, परेशान नहीं करना, बड़े छोटों से रिस्पेक्टफुली बात करना जैसी वैल्यूज़ बच्चों को सिखाएं। बड़ों से रिस्पेक्टफुली बात करना सिर्फ बच्चों पर ही लागू नहीं होता, हम पर भी लागू होता है, क्योंकि रिस्पेक्ट का एज से कोई लेना देना नहीं। अगर हम बच्चों से रिस्पेक्ट चाहते हैं तो बच्चे भी हमसे रिस्पेक्ट ना केवल एक्सपेक्ट करते हैं बल्कि डिज़र्व भी करते हैं। इसलिए बच्चों से अच्छे से रिस्पेक्टफुली बात करें, चाहे आप उन्हें डांट ही क्यों ना रहे हों। शब्दों का चयन सोच समझ कर करें, कोई भी ऐसा शब्द या वाक्य ना बोलें जिससे उन्हें चोट पहुँचे। दूसरी बात, बच्चों के सामने किसी और के लिए अनुचित या गलत ना बोलें, चाहे आप अपने दुश्मन के बारे में ही क्यों ना बोल रहे हों। ध्यान रखें, बच्चा सुन रहा है और वो भी वही सीखेगा। कम से कम बच्चे के सामने तो अपनी इमेज खराब ना करें। बच्चों को अपनी संस्कृति, रीति रिवाज से जोड़े रखने के लिए त्योहारों की तैयारी व खरीदारी करते समय उन्हें शामिल करें। उन्हें इन त्योहारों के महत्व के बारे में बताएं, क्यों और कैसे ये त्यौहार मनाए जाते हैं। बच्चे जितना अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे उतना अपने संस्कारों से जुड़े रहेंगे। आज जहाँ बच्चे वेस्टर्न कल्चर की तरफ भाग रहे हैं, वहाँ ज़रूरी है उन्हें उनकी संस्कृति से जोड़े रखना। ये तीज त्यौहार हमारी संस्कृति की जान है। लगभग पूरे साल तीज त्यौहार रहते हैं। इन त्योहारों की वजह से ही हम एक दूसरों से, भूले बिसरों से मिलते हैं, साथ में सेलिब्रेट करते हैं, नाराज़गी हटा के अपनों को गले लगाते हैं। ये त्यौहार ही अपनत्व, बुराई पर अच्छाई की जीत सिखाते हैं, जिससे बच्चे भी सीखते हैं।
और उन्हें रिश्तों की, अपनों के साथ की अहमियत पता चलती है। बच्चों की गलती पर ज़रूरी नहीं हर बार उन्हें डांटें डपटें, कभी कभी बातों को इजी गोइंग वे में लें, कभी कभी उन्हें कहें कि कोई बात नहीं, होता रहता है। ऐसा करने से वो चीज़ों को बर्डन की तरह नहीं लेंगे, इससे उनमें पॉजिटिव आउटलुक, सकारात्मक दृष्टिकोण बनेगा जो उनकी पूरी लाइफ काम आएगा। वहीं दूसरी ओर जो लोग चीज़ों को इजी वे में नहीं लेते, बच्चों को ज़रा ज़रा सी बातों में डांटते हैं, उनके बच्चों में गुस्सा, चीज़ों को बर्डन समझना, इम्पेशेंट बिहेवियर जैसे नकारात्मक गुण आते हैं जो उनकी फ्यूचर लाइफ को बैडली इफ़ेक्ट करते हैं। हमें समझना होगा कि वो बच्चे हैं, खेलेंगे कूदेंगे शरारतें करेंगे, ना कि बड़ों की तरह चाय पीते हुए न्यूज़पेपर पढ़ने बैठ जाएंगे। इसलिए उन्हें बच्चे के जैसा ही ट्रीट करें, आप उनके साथ खेलें, मौज मस्ती करें, इससे बच्चे आपकी बातों को सुनेंगे और जल्दी मानेंगे। बच्चों के साथ अंडरस्टैंडिंग डिवेलप करने का बहुत अच्छा तरीका है बच्चों के साथ मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट। वीडियो कैसा लगा हमें बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।